नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। मथुरा के एसएसपी के द्वार आकर न्याय की लगाई फरियाद। अपनी पुत्री के विवाह करने के उपरांत पुत्री ने अपने पिता के सिर में चोट मार और मारपीट करने का आरोप लगाया। पीड़ित थाना राया का रहने वाला है। आरपीएस समाचार ब्यूरो चीफ कृष्णा गुप्ता। लड़की ने मेरा सर फोड़ दिया है और घर में ताला लगा दिया है। घर से मैं चोट पहुंचाई है। वो आपकी लड़की है? हाँ, खास लड़की है। कितनी उम्र होगी उसकी? उसकी 22 साल है। तो मतलब और उसके साथ उसने ईंट मारी है, तो क्या मामला है पूरा? कोई ना कोई तो विवाद होगा। मेरे पे 20 बीघा जमीन है, लेना चाहती है वो। मतलब अविवाहित है आपकी पुत्री या विवाह हो गया? विवाह हो गया है, 18 फरवरी को शादी कर दी है। उसकी ससुराल कहाँ पर है? गांव बिलौटी छाता, तहसील छाता, जिला मथुरा। तहसील छाता आती है? हाँ जी। तो आपने एसडीएम या सीओ छाता साहब को अवगत नहीं कराया? नहीं, अभी कहीं ना कराया। आप यहाँ पर आए हो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय? हाँ जी, कुछ सहायता लेने के लिए आए। क्या चाहते हो मथुरा के जिला प्रशासन अधिकारियों से? कुछ कार्रवाई की जाए, मदद की जाए। कितना समय हो गया ये घटना घटी? 22 तारीख समय 3 बजे। इसी सन की बात है? हाँ, 22/7/2000। चलिएगा, आपका नाम क्या है? डोरी श्याम। छाता क्षेत्र में कहाँ रहते हो आप? नहीं, मैं तो मेरा गांव तो नगला महना है, थाना राया में। छाता का मामला बता रहे हो ना? छाता में मेरी लड़की है, गांव बिलौटी। शादी हुई है आपकी बेटी की? वो छाता में हुई है। आप रहने वाले थाना राया के हो? हाँ जी, गांव बिलौटी में। तो ये रहा था, पीड़ित थाना राया के रहने वाले हैं और इनकी जो पुत्री है उसका विवाह इन्होंने बताया कि उसकी शादी इन्होंने की थी छाता क्षेत्र में। और अब ये व्यक्ति प्रशासनिक गलियारों में लगा रहा है न्याय की फरियाद। आला अधिकारी हैं बेखबर। मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह यादव जी के द्वार लगाई है इन्होंने फरियाद। अब देखते हैं कि आला अधिकारी मामले को लेकर क्या संज्ञान ले पाते हैं। मथुरा से आरपीएस समाचार ब्यूरो रिपोर्ट कृष्णा गुप्ता। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।